तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जादूगर जयपाल ने जो पत्थर बाबा जान पे फेंका था वो पत्थर यहाँ पर है और आज भी वो पत्थर हवा में लटका हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर हवा में लटक गया था और जैसे ये पूरी खाई देख रहे हो ना, ऐसी खाई में लटका हुआ था पत्थर और आज तक ये पत्थर देख सकते हो ये पूरा हवा में लटका हुआ है। देखो नीचे आप जाए पूरा देख सकते हो, पूरा सांसा यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है। ना करामत है बाबा जान की, लोग आते हैं इस पत्थर की ज़ियारत करके जाते हैं और अपने अकीदा का मन्नत का धागा बांध के यहाँ पे जाते हैं, देख सकते हो। अच्छा घोड़े की टाप मारने से पानी जारी हो गया, मतलब यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं था पहले, तो घोड़े ने टाप मारी तो यहाँ से पानी जारी हो गया और ये जिंदा करामत है कि यहाँ से पानी जब आने लग गया तो यहाँ पे एक बावड़ी बना दी गई। जी तो उसको घोड़े की टाप की आवाज आती है। और ये जो आप देख रहे हैं शहीदा यहाँ पे, ये गंदे शहीदा हैं जहाँ पे जो शहीद दफन हुए हैं ना जी, शहीद हुए तो उनको दफनाए, गंदे शहीदा बोलते हैं। और ये जो मजार देख रहे हैं, शहीदा बोला गया, शहीदों का खजाना, ये वो जगह है जो मजार कभी कम कभी ज्यादा हो जाते, आज तक को गिन नहीं सका। मजार कम कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, करामत है जी, एक एक में कई कई लोग दफन, जिंदा करामत है कि यहाँ पे कई जारी नाते कोशिश करते गिनने की पर वो सही से आंकड़ा नहीं लगा पाते क्योंकि यहाँ पे इनकी करामत यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ तारागढ़ पहाड़ पे जो पत्थर है, जादुई पत्थर जो कहा जाता है कि पहाड़ के ऊपर एक पत्थर लटका हुआ पूरा, क्यों कहा जाता है कि जादूगर जयपाल ने जब पत्थर बाबा जान के ऊपर फेंका था तो बाबा जान ने दो उंगलियों से पत्थर को रोका था और घोड़े ने चाबुक से रोका था। तो मैं आज उसी की जानकारी करके बताऊंगा कि आप वो पत्थर पे कैसे जा सकते हो, पत्थर देखने कैसे जा सकते हो, कौन सा रास्ता रहेगा, कैसे क्या जा सकते हो और कितने बजे से कितने बजे तक जा सकते हो, क्या वहाँ कोई टिकट चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। और तारागढ़ की जो दरगाह है मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी दरगाह भी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ और तारागढ़ में जितनी भी दरगाह पड़ती है वो सारी आपको दिखाऊंगा। हाँ इधर से ले रहा। तो गाइस फाइनली देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह बाजार और आज मैं पूरा रास्ता बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे जा सकते हो आप तारागढ़। जादूगर जो जयपाल ने पत्थर फेंका था बाबा जान के ऊपर तो वही पत्थर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो कैसे जाओगे पूरा रास्ता पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो मैं मेन गेट दरगाह पे पहुँच चुका हूँ माशाल्लाह, कि ये रहा ढाई दिन के झोपड़े की तरफ जाने वाला रास्ता। आप लोग इस तरफ से जाओगे अंदर को ढाई दिन के झोपड़े वाला रास्ते में, तो इधर से आपको जाना होगा जादूगर जयपाल के पत्थर देखने के लिए। और ये रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने का, नाला बाजार पूरा मार्केट है, ये रहा जादूगर जयपाल के जाने का पत्थर है, पत्थर का रास्ता। तो ये देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिपुलिया गेट। तो यहाँ से आपको जाने का रास्ता बता दूं आपको कि एक रास्ता ये बिल्कुल सीधा जो जा रहा है ना, ये सीधा रास्ता जाएगा इसके अंदर से सीधा ढाई दिन के झोपड़े की तरफ, और यहीं से ढाई दिन के झोपड़े के पीछे से रास्ता एक तारागढ़ जाने का है जो जादूगर जयपाल का पत्थर देख सकते हो आप। यहाँ से जाओगे तो जादूगर जयपाल का पत्थर आपको देखने को मिल जाएगा और ढाई दिन का झोपड़ा भी मिलेगा। पर अगर ये वाला रास्ता है त्रिपुलिया गेट के जस्ट बाजू वाले रास्ते से यहाँ से जाते हो ना, तो यहाँ से आप लोगों को बड़े पीर का चिल्ला होते हुए और बहुत सारी मज़ारत यहाँ से मिलेगी, तो उस मज़ार से होते हुए आप जा सकते हैं। देखिए त्रिपुलिया गेट है, त्रिपुलिया गेट से जस्ट बाजू से रास्ता है। बाबा रुको, तारागढ़ जा के आए कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो बढ़िया है, मतलब चल के आए पूरा। अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी भी बात। तो हम यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ये वाला रास्ता है। खान साहब शुक्रिया खा रहा हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आइए एक मिनट। आपको जैसे बताया गया 100-150 से ज्यादा सिद्धियाँ, कितनी बार सिद्धियाँ है? गिनते 200 के आसपास सिद्धियाँ, 150-200 की सिद्धियाँ। ये देखो ऐसे पूरी चढ़ के जाना पड़ेगा, इसके बाद में सीधा प्लेन रास्ता आएगा वो भी दिखाते चलो। ये देखिए फाइनली हम लोग ये जो दरगाह है ना, इस दरगाह के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है पहली वीडियो में, आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ढाई दिन का झोपड़ा है, एक रास्ता ये ढाई दिन के झोपड़े के पीछे से, ये देखो ये इधर रास्ता जा रहा है जो आप यहाँ मेरी उंगली देख सकते हो, यहाँ से पूरा रास्ता जाएगा जादूगर जयपाल के पत्थर की तरफ का, पर वो आने वाला रास्ता है। तारागढ़ जब जाते हैं ना लोग तो इस रास्ते से तारागढ़ जाते हैं और उस रास्ते से लोग आते हैं। तो ये ढाई दिन का झोपड़ा आप देख रहे हो, यहाँ की भी हिस्ट्री है मैंने बता रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा देख लेना मिस्टर खान अजमेर, यहाँ के बारे में भी बता दूंगा मैं। और ये देखिए पूरा आना सागर का पानी जो कासे पे ले लिया था बाबा जान ने वो है, और ये पूरा अजमेर शहर यहाँ से दिखता है और काफ़ी सारी जरूरत आपको रास्ते मिलेगी जो आपको देखते हुए करते हुए जा सकते हो माशाल्लाह। ये देखो दरगाह शरीफ,
ये पूरा अजमेर शहीद बिकता है। और वो रहा जिंदा शाह मदार, पहाड़ का चिल्ला जो सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी वायरल है, जो लोग यहाँ से देखते हैं वाइट सी दरगाह जो मैं बताया था, वो ये आप लोगों ने 5 मिलियन पहुँचा दिया है। और आप चलते हैं बड़े पीर के चिल्ले की तरफ। ये देखिए यहाँ के बारे में भी मैंने बता रखा वीडियो पहले, तो आप सर्च करके देख सकते हो मिस्टर खान अजमेर बड़े पीर का चिल्ला। रास्ता इधर से जाने वाला है। ये देखिए तारागढ़ पत्थर, ये देखिए ये तारागढ़ पहाड़ जो दरगाह शरीफ है वहाँ जाने का रास्ता अभी बहुत ऊँचा है। अभी तो हम थोड़ा सा आए, अभी हम लोग ये थोड़ा चलो। ये बड़े पीर का जो चिल्ला है इधर की ज़्यादा करते हुए जब जाएंगे तो फिर यहीं से रास्ता आपको दिखेगा, ये रहा तारागढ़ जाने का रास्ता। यहाँ पे काफ़ी सारी क्या बोलते हैं दुकान मिल जाएगी खाने पीने की, और ये मेरे दोस्त के भाई की दुकान है, देखो ये मिल जाएगा। किसी को भी पूछना है ना मिस्टर खान से मिलना है तो इसको बोल देना मिला देगा। कैसा मेरा भाई? ये हमारी दुकान है, आप टेंशन मत लो, कभी भी आओ मेरा नाम लो और कुछ भी चाहिए तो मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़े पीर का चिल्ला, बड़े पीर के चिल्ले से होते हुए ये रास्ता अभी शुरू होता है जहाँ पे हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बताया कि ये पूरा रास्ता पहले ना बिल्कुल, ये देखो ये पत्थर दिख रहा है ना इस तरीके से था, पर अभी चट्टिया बिछ गई है, पर कहाँ तक बिछी वो पता नहीं है। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो ये थक गए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी देखा कि बाबा लोग यहाँ पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, बाबा का घर तैयार हो रहा है, ये देखिए। तो गाइस जब इस रास्ते से आप आओगे तो आपको कई दुकानें भी मिल जाती हैं जहाँ पे आप शॉपिंग करते हुए भी जा सकते हो, खास करके सुरमा दुर्गे अरब ज़्यादा यहाँ मिलता है और ताबीज़ें भी मिलती है तो ले सकते हो। और बाकी मैं दूसरी वीडियो में और अच्छे से बताऊँगा। तारागढ़ पहाड़ का ये पूरा किला, 2-4 घंटे का रास्ता है, पर हम लोगों ने मेन वीडियो कैप्चर किया आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखिए सुभानअल्लाह। तो जैसे ही आप किले के अंदर दाखिल होते हैं तो किले के अंदर दाखिल होते ही आप लोगों को राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा, जहां पे आप मात्र 60 रुपये में घोड़े की सवारी कर सकते हो और 40 रुपये में ऊँट की सवारी कर सकते हो। ये देखिए सुभानअल्लाह, मैं पहुँच चुका हूँ। इतना लंबा 2-4 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली मैं यहाँ दरगाह मेन गेट के पास पहुँच गया। तो गाइस फाइनली हम लोग दरगाह शरीफ पहुँच चुके हैं, बुलंद दरवाजे से अंदर हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 पे आप लोगों को बाबा जान की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि मीरा सैयद हुसैन कौन थे, बाबा जान कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है, और बाबा जान का उर्स कब आता है, और यहाँ पर आने के बाद पेड़ का फल ले जाने से कैसे औलाद होती है, और मेहंदी यहाँ पे मेहंदी मिलती है तो मेहंदी का लगाने से कैसे रिश्ते बन जाते हैं माशाल्लाह, तो पूरी जानकारी दूंगा अगले पार्ट 2 वीडियो में। तो फाइनली हम कहाँ चुके हैं जी, बताइए जी भाई। ये मैंने अभी आपको अंदर दरबार श्री मीरा साहब की ज़ियारत करी, हजूर मीरा साहब की, वो आपको मैंने घोड़े की मज़ार भी बताई, सरकार के शहीद हुआ है। अब मैं लेके आया हूँ आपको गंदे शहीदा, जो मैंने आपको जिक्र किया गंदे शहीदा का, जहाँ शोदा दफन है, जहाँ सरकार के जो बाकी शहीद थे उनको दफनाया, वो ये गंदे शहीदा। देखिए चप्पल उतार लीजिए जी, और यहाँ ये आप आए ये है घोड़े की टाप, देखिए ये है घोड़े हजरत मीरा साहब का, जो घोड़ा आपके साथ शहीद हुआ है ना जी, उसने जब यहाँ घोड़े की टाप मारी थी जी, समझ में, तो यहाँ सरकार की घोड़े की टाप मारी थी तो ये इसमें एक मेरी बावड़ी बन गई थी। अच्छा ये बावड़ी बन गई थी, अच्छा ये पहले पूरा बिल्कुल क्लियर था, यहाँ पे छोटा सा टाप मारने से बावड़ी बनी है। ओहो सुभान अल्लाह, आप देख सकते हो जिंदा करामत है, आप देख सकते जी, कान लगा के जब सुनते हैं हाँ जी, तो उसको घोड़े की टाप की आवाज आती है जी। अब सब ईमान वाली बातें हैं, समझ में, जो अगर अकीदे से करेंगे तो सब सुनाई देगा, अकीदा नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। तो ये घोड़े की टाप कहलाती है, तो घोड़े की टाप से ये पूरा ये बन गया जी जी। बाद में इसको मतलब थोड़ा बावड़ी बड़ी कर, बावड़ी बड़ी कर दी, नहीं तो घोड़ी इतनी बड़ी थोड़ी होती है, समझ नहीं, तो क्या टाप मारी तो चश्मा जारी हुआ था, चश्मा जारी। अच्छा घोड़े की टाप मारने से पानी जारी हो गया, मतलब यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं था पहले, तो घोड़े ने टाप मारी तो यहाँ से पानी जारी हो गया, और ये जिंदा करामत है कि यहाँ से पानी जब आने लग गया तो यहाँ पे एक बावड़ी बना दी गई, और आज यहाँ पे लोग कई लोग आते हैं, इससे पानी पहले भी पीते थे और अभी भी पी के जाते हैं। ये जो बारिश अंदर होती है देखिए अंदर जी, इसके में 1-1 रुपए 2-2 सिक्के भी डाल के जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर होता है, कॉपर सबसे ज्यादा मानी है। दरबार हम तक चलेंगे गंदे शहीदा में, देख रहे हैं आप जी, और ये जो आप देख रहे हैं शहीदा यहाँ पे, ये गंदे शहीदा है जहाँ पे जो शहीद दफन हुए ना जी, शहीद हुए उनको दफनाया गंदे शहीदा बोलते हैं, और ये जो मजार देख रहे हैं ख्वाजा वजीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार है जी, ये सरकार मीरा साहब के साथ आए थे जी, जो आप शहीद हुए तो आपको यहाँ आरामगाह है आपकी, यहाँ आप जो है लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं जी, शहीद हैं, शहीद जिंदा होते हैं, तो तमाम शोहदा देख रहे हैं आप, ये तमाम तो कई जायरीन आते हैं यहाँ पे दुआ करके जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, आइए
ये देखिए करम फरमा दीजिए मौला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दरबार में लोग आते हैं। जी जी, सरकार गरीब नवाज है ना अजमेर वाले, जी उनके आप ससुर हैं। अच्छा, इनका नाम ख्वाजा वजुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह। जी, ये 12,000 जो शहीद हुए लश्कर लेके आए, जी ये तमाम उनके मजार हैं। निशान 12,000 नहीं, जैसे कपड़ा रखते पेटी में एक के ऊपर एक ऐसे दफने, इसको गंजे शहीदा बोला गया, शहीदों का खजाना। यही वो जगह है जो मजार कभी कम कभी ज्यादा हो जाते, आज तक को गिन नहीं सका। मजार कम कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, एक करामत है जी। एक एक में कई कई लोग दफन है, अपनी जगह इबादत करते रहते, लोगों ने आजमाने की कोशिश करी कि चार हाथे में चार दीवार में कैसे 12,000 चाहिए। जी, तो कभी कम कभी ज्यादा होगा, आज तक कोई गिन नहीं सकता। क्वांटिटी करते हैं बहुत से लोग, करामत है। तो गिना तो कभी मिसाल के 100 हो गए, कभी 99 हो गए, कभी 102 ऐसे मिसाल समझे। सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंदा करामत है कि यहाँ पे कई जारी नाते कोशिश करते गिनने की, पर वो सही से आंकड़ा नहीं लगा पाते क्योंकि यहाँ पे इनकी करामत यही है। दो मिनट वहाँ से आप दिखाओ जादू का पत्थर, जाओगे ना अभी आप? हाँ, अभी आप जब मैं देखो आपके साथ नहीं जा पाऊंगा जी, क्योंकि आप पैदल उतर नीचे उतर जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगा जी। जो सरकार मीरा साहब के ऊपर जो जादूगर ने पत्थर फेंका था जी, जो सरकार मीरा साहब ने दो उंगली से रोका जी, और घोड़े ने देखिए घुटने से रोका था जी, और सरकार ने अपनी चाबुक से रोका था जी। तो वो रस्ते में अभी आपको पैदल जाएंगे, एक रस्ते में तो आप आगे चढ़ के जी, एक से उतरेंगे आप जी, तो उस रस्ते में आपको जादू का पहाड़ मिलेगा, समझ में। तो वो आपको यहाँ से देखिए, आप देखिए पीछे ये हैप्पी वैली है, यहाँ से आप देखेंगे, इसमें से देखिए आप जब जाएंगे ना नीचे जी, तो उतर के देखिए ऊपर से निकालेंगे आप, ये देखिए ये पूरा जंगल है पीछे। हाँ, सुभान अल्लाह, ये पूरा जंगल है, हैप्पी वैली कहलाती है पूरी। अच्छा, हैप्पी वैली कहलाती है। ये पीछे आप जाएंगे तो हजूर तखी नकी सरकार के मजार आ जाएंगे, जहाँ पे पिंजरे की कब्र भी है। हाँ, अच्छा, ये सब इधर पीछे है, इधर मेरे हाथ से देखिए, इधर पीछे हो गए जी, और इधर पीछे इधर देखेंगे तो आपको आना सागर दिखेगा, वो सामने देखो आपकी मूवी में वीडियो में दिख भी रहा है जी, है ना। और यहाँ जादू का पत्थर नीचे आप जब जाएंगे, जादूगर जयपाल ने जो पत्थर गरीब बाबा जान पे फेंका था, सरकार मीरा साहब पे जो फेंका था जी, वो पत्थर आपको पैदल में मिलेगा। ये आपको मैंने कंप्लीट ज़ियारत कराई है जी, इंशाल्लाह अभी अगला महीना उर्स का है तो उसमें भी आप हाजिर लगाएं जी, और इंशाल्लाह शहीदों की बारगाह, देखिए आप शहीद लेटे हैं यहाँ पे, और ये अल्लाह के नाम, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इस्लाम की कुर्बानी दी है। कहा जाता है कि कई लोग पूछते हैं कि ये जंग किस माह क्यों हुई थी, क्या हुआ था उस समय? देखिए क्या है, सरकार जो है, आप इंसानियत के यहाँ पे आए थे, जैसे मैंने आपको बार बार जिक्र किया है कि यहाँ पे एक जादूगर था जो बिना मतलब, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो जी, कोई भी कास्ट हो, उन पर जुल्म और सितम करता था। तो सरकार मीरा साहब को बशारत हुई हजूर पाक से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप जो है ईरान से फिर मदीने गए, फिर मदीने से आपकी शादी हो रही थी, शादी छोड़ गए, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, समझ में। तो यहाँ पे जो शहदा जो आप यहाँ के जो शहीद थे वो सब आपके साथ शहीद हुआ है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं, जो अभी अगला महीना रजब का है जी, तो 15 रजब से 18 रजब सरकार, तो मतलब यहाँ पे जादूगर जयपाल जो जुल्म करता था या यहाँ का बादशाह या राजा वो जो जुल्म करता था, तो यहाँ के लोगों ने जी 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 बाबा जान को मतलब अल्लाह की राह बारगाह में उन्होंने फरियाद किया कि हमें इससे निजात मिले जी, समझ में। तो हजूर पाक से फिर उनको बशारत हुआ, बशारत का बशारत मतलब सपना आया सरकार मीरा साहब को जो है बशारत दी गई हजूर पाक से, तो हजूर पाक से बशारत हो तो मीरा साहब सरकार हिंदुस्तान तशरीफ लेके आए, यहाँ पे आए, शादी छोड़ के आए जी। हाँ, आपकी शादी हो रही थी, क्योंकि रिवायतें अलग अलग, जो रिवायतें को क्या होता है, रिवायतें होती है राइटर्स से होती है, अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग अपने अपने ख्याल होते हैं, तो अलग अलग उसके हिसाब से जो है अलग अलग वाली बातें। बाकी मोतबर हदीस ये है कि सरकार की शादी हो रही थी, शादी छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लेके आए, तो यहाँ आप जो है दूल्हा शहीद हुए हैं, तो इसलिए साल में एक बार दूल्हा बनाते हैं इनको, यहाँ से मैंने बताया आपको मेहंदी ले जाते हैं जी, फल ले जाते हैं, जिनकी शादी नहीं उसके लिए मेहंदी ले जाते हैं। आप तारागढ़ में आएंगे तो माशाल्लाह कई करामत और कई करामती जगह आपको देखने को मिलेगी, और माशाल्लाह यहाँ की तो बात ही अलग है, जो भी आप आएंगे तो यहाँ पे खुद देखेंगे तो आपको एक हिस्ट्री मालूम पड़ेगी कि आप उस समय में यहाँ पर हुआ क्या था, पूरी जानकारी मिलेगी। तो गाइस फाइनली अब आप लोगों को जा रहे हैं हम जादूगर जयपाल का पत्थर दिखाने, तो उससे पहले दिखाते हैं कि पूरे किले के अंदर ये पूरा शहर आबाद है माशाल्लाह, आप देख सकते हो दरगाह शरीफ यही पूरे किले के अंदर शहर में है, दरगाह शरीफ ये देखिए माशाल्लाह पूरा शहर तारागढ़ पहाड़ पे बसा हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी तुम दो दिन बाद आए हो, परसों अगर आते ना तो शिमला नैनीताल आया। अच्छा जी, पूरा कोहरा था। हाँ, बारिश थी, आदमी यहाँ सामने का आदमी नहीं दिख रहा था। अच्छा जी। हाँ देखिए अभी पार्किंग पे है, आप लोग गाड़ी से आए ना मियाँ जी, तो हाँ अब जो गाड़ी से जो आते हैं उधर से आते हैं, पैदल की वीडियो तो आपने बना ही ली है जी, और ये साथ साथ गाड़ी की भी हो गई तुम्हारी। हाँ, जो कि गाड़ी से भी लोग आते हैं तो यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, दरबार ज़ियारत करके जाते हैं। हाँ, ये सामने देखो इमाम हुसैन, पैदल आने का रास्ता भी है, गाड़ी से भी आने का रास्ता है, आप जैसे चाहे वैसे आ सकते हैं। आज की वीडियो में आपके तीनों रास्ते हो गए माशाल्लाह। ये तो हो गया गाड़ी का रास्ता और पैदल का भी दिखा दिया। हाँ, तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक रास्ता वहाँ से
वो रास्ता आने वाला बताया था मैंने आप लोगों को, ये रास्ता जाने वाला है। अगर आप आना चाहते हो तो इधर से भी ढाई दिन के झोपड़े की तरफ से भी आ सकते हो। यहाँ से आप जो गाड़ी का रास्ता मैंने बताया था वहाँ से गाड़ी का आने वाला रास्ता है, एक ये पैदल जाने वाला रास्ता है जो कि यहाँ से लोग आते भी हैं, और एक आने वाला रास्ता वो वहाँ से भी लोग जाते हैं। आना जाना कैसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी घोड़े ऊँटे, यहाँ पर भी आप फोटोशूट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पॉइंट है ना सेल्फी पॉइंट यही है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खुला हुआ है और लोग आके यहाँ पे सेल्फी खिंचवा के जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा क्या शहर दिखता, देखो शाम हो चुकी है, शाम के 6 बजने वाले हैं, और यहाँ से नीचे तो रात हो गई होगी पता नहीं, पर यहाँ से अभी भी दिन दिख रहा है क्योंकि ये ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ऊंचाई की भी मैं पता करूँगा। बाकी ये रास्ता है जो मैंने बताया जाने वाला, सॉरी आने वाला, ये देखिए। चलो अब पत्थर आप लोगों को जादूगर जयपाल का पत्थर दिखाते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। ये देखिए ये पुराने ज़माने का गेट बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि गेट होते थे। वैसे देखा जाए तो आने वाला रास्ता यही होगा उस ज़माने में, क्योंकि ये गेट बहुत बड़ा बना हुआ है, ये गेट जिस हिसाब से बना हुआ है तो मुझे लगता है आने वाला रास्ता एक ज़माने में ये रहा होगा। पर लोग आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जाने के लिए इस रास्ते को यूज़ करते हैं, वापस अजमेर जाने के लिए इस रास्ते को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। बाकी एक समय में आने वाला रास्ता रहा होगा ये, है ना अंकल जी? यहाँ पे लोग ज्यादातर आने के लिए पहले यूज करते रहे होंगे। सबसे पहला रास्ता यही है, कच्चा रास्ता जो बना था, ईमानी गेट है। ईमानी गेट, अच्छा जी, क्या बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बाबा ने हमें जानकारी दी, ईमानी गेट नाम है। ये देखो ये है गेट, देख सकते हो ये गेट। आप जब तारागढ़ की तरफ आते हो सबसे ज्यादा जो फोटो देखते हो ना तारागढ़ में, तो ये गेट की भी नजर आती है और दरगाह शरीफ की नजर आती है। तो ये वही गेट है, मेरे को लगता है आप कमेंट करके बताना पहला गेट यही रहा होगा जब लोग जाते होंगे यहाँ से गुजरते होंगे, बादशाह और राजा महाराजा। बाकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पब्लिक यूज़ करती है इस गेट को वापस करने के लिए, वापस जब नीचे उतरती है ना तो सबसे ज़्यादा नीचे उतरने के लिए यूज़ करती है। और रात होने वाली, हम लोग सुबह से आए हुए हैं तो हम लोग फटाफट भागते हुए चल रहे हैं, और आपको जादूगर जयपाल का पत्थर दिखाने वाले हैं। ये रहा, ये देखो ये पूरा जंगल जो बताया था मैंने, यही रूठी हुई रानी का महल है, और शेर वाली दरगाह भी यहीं पर है, और पानी वाली दरगाह भी यहीं पर है। और ये देखिए माशाल्लाह, इस रास्ते से उतरोगे ना, इस गेट के रास्ते से उतरोगे तो जादूगर जयपाल का आपको पत्थर देखने को मिलेगा जो बाबा जान पे फेंका था। यहीं पत्थर के पास पहुंच गए शायद हम लोग। ये देखो ये उतरने वाला रास्ता तो और ज़्यादा खतरनाक है, पहला वाला रास्ता आपको थोड़ा अच्छा दिखा होगा, पर ये उतरने वाला रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग संभल के आए, क्योंकि इधर पर ये पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। ये देखो थोड़ा सा पैर पिसला इंसान नीचे चला जाएगा, तो देखते हुए आए संभल क्या है। और रात होने से पहले हम लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अगर रात हो गई तो फिर दिखेगा नहीं रास्ता। ये देखो वो ठंडी का माहौल है, ठंडी में वैसे यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है। जयपाल का पत्थर यहीं पर होगा जहाँ पे फेंका था उसने। कहाँ पर, कितने दूर है इसे? यहाँ पे पास में ही है, ठीक है। ये देखो ये रास्ता जो देख रहे हो ना बीच की दीवार, ये बीच की दीवार से नीचे उतरने का, जो कि वहाँ से आप जा सकते हो रूठी रानी का महल। देखो फाइनली उतरते उतरते हमारे को 3 घंटा हो गए। ये देखिए ऐसे रास्ता है पूरा, ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, पर यहाँ पे पैर संभाल के आप आना और बचा के आना तो आप सही से चले जाएंगे। ये देखो ये रास्ता आज भी वैसी उबड़ खाबड़ है जैसे था पहले। यहीं पर जादूगर जयपाल का पत्थर है, वही दिखाने आपको जा रहा हूँ। तो शाम, फाइनली शाम होने को आ गई है। आप लोगों के लिए इतनी सारी ज़्यादा करवाई, इतना सारा वीडियो बनाया, भागते भागते आए हूँ अभी यहाँ से, और अब फाइनली हम लोग उस पत्थर के पास पहुँच गए हैं जो बाबा जान पे जादूगर जयपाल ने फेंका था, और आज भी हवा में लटका हुआ है ये पत्थर कहा जाता है। तो आज अल्लाह के भरोसे, अरे ये क्या है, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए ये रहा, ये पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, इसकी कवाली में देख सकते हो, इसकी करामत के बारे में जान सकते हो, कुछ जानकारी में भी आपको बताऊंगा। जी पहचान गए क्या भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए भाई हमें हमेशा अजमेर में मिलते हैं। अच्छा शुक्रिया भाई, आप हमें पहचान गए, अच्छी बात है। कहाँ से आप? ये देखो राजा, कहाँ से आप? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं आप, आज इसी पत्थर के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यूट्यूबर भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जादूगर जयपाल ने जो पत्थर बाबा जान पे फेंका था वो पत्थर यहाँ पर है, और आज भी वो पत्थर हवा में लटका हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर हवा में लटक गया था, पर ये जो चीजें अभी बनी है ना,
ये सब अभी रास्ता बना है क्योंकि लोग यहाँ से गुजरने लग गए, आने लग गए, ज़ियारत करने लग गए, तो ये रास्ता पहाड़ को काट के बना दिया गया है। नहीं पहले, इससे पहले ये पत्थर है ना हवा में लटका हुआ था, और जैसे ये पूरी खाई देख रहे हो ना, ऐसी खाई में लटका हुआ था पत्थर, और आज तक ये पत्थर की ये करामत है कि ये पत्थर वहीं पर लटका हुआ जहाँ लटका हुआ था, और ये पत्थर कभी गिरा नहीं है। तो यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे हम जानकारी करेंगे और जानकारी करके यहाँ के बारे में बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब, अब यहाँ के बारे में हमें बताएं कि क्या बोलते, क्या करामत हुई थी, बताइए। पहाड़ गिराया था नमाज के टाइम में, जादूगर ऊपर जिनका दरगाह है, मीरा सिया दुसानी, ये उंगली से रुका है बाबा, इसको दो उंगली के निशान है, चाबुक है, घुटना है, घुटना ये दो उंगली के निशान है, दो उंगली से रुके जी, और चाबुक का निशान ये वाला, वो नीचे घुटने का निशान, ये देखिए चाबुक का निशान है यहाँ पर, आप देख सकते हो जो घोड़े की चाबुक होती है, और ये घोड़े का घुटने का निशान है, आज भी मौजूद है। आप यहाँ पे दरबार में जब आएंगे ना तो आप देख सकते हैं, ये देखिए तो घोड़े का घुटने का निशान और चाबुक का निशान बना हुआ है। जब भी आप आएंगे तो ये पत्थर देखेंगे ना तो एक अजीब ही यहाँ का करिश्मा आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर आप आज भी देखा देता हूँ दादू की, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की करिश्मा के बारे में जानने और ये पत्थर के बारे में देखने आते हैं लोग। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कलकत्ता से आए हो, क्या सुना था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बहुत खास चीज सुना, इसी के वजह से आए हैं। अच्छा, क्या सुना था? हम बोले चले अजमेर शरीफ, तारागढ़ पहाड़, ये सब घूम के आते हैं, क्योंकि कभी तो इसके बारे जानकारी किए नहीं जी, इसीलिए जानकारी करने आए हैं। अच्छा, तो ये पत्थर के बारे में जब सुनते थे तो क्या सुन जहन में आता था? कभी सुने नहीं, फर्स्ट टाइम सुने। अच्छा, फर्स्ट टाइम सुने, कव्वालियों में ज्यादा देखा इन्होंने खास करके। एक चीज आपको खास यहाँ पे बता दूं कि आज भी ये पत्थर हवा में लटका हुआ है, मैं ढंग से दिखा देता हूँ आपको, ये देखे, ये देखिए, आज भी यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा हवा में लटका हुआ है, ये देखो नीचे आप जाए पूरा देख सकते हो, पूरा सासा यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है, कोई यहाँ पे जैसे जोड़ होता है या कुछ होता है वो कुछ भी नहीं है, ये पत्थर आज भी हवा में लटका हुआ है, ये जिंदा करामत है बाबा जान की। लोग आते हैं इस पत्थर की ज़ियारत करके जाते हैं और अपने अकीदे का मन्नत का धागा बांध के यहाँ पे जाते हैं, देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीन आते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ पे माशाल्लाह भीड़ लग जाती है। और ये मैंने जैसे कि मैंने दिखाया कि आज भी यहाँ का ये साइंस है, और कई लोगों ने पता कराया कि घोड़े का घुटने का निशान, चाबुक का निशान, और दो उंगलियों से मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इस पत्थर को रोका था, बाबा जान ने इस पत्थर को रोका था, ये देखें आज भी यहाँ पे देख सकते हो नीचे कोई भी जोड़ नहीं है, पत्थर हवा में लटका हुआ देख सकते हो, ये देखिए ये पत्थर पूरा हवा में लटका हुआ, ये देखिए। इस समय अभी रास्ता बना दिया गया है, पर रास्ता अगर नहीं बनता तो आपको पूरा उस समय का मालूम पड़ता कि कैसे जंग के समय जादूगर जयपाल ने इस पत्थर को फेंका था। और ये पत्थर छोटा मोटा पत्थर नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है। जब बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे तब नमाज पढ़ते समय जादूगर जयपाल ने इस पत्थर को बाबा जान पर फेंका था नमाज के वक्त, ये देखिए बार बार दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा पत्थर है, यहाँ बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के वक्त पत्थर फेंका गया था, जितने भी मुरीद थे या बाबा जान थे जब, तो नमाज जब पढ़ रहे थे जब पत्थर को यहाँ पे फेंका गया था जादूगर जयपाल की तरफ से, तो ये पत्थर आज भी हवा में लटका हुआ है देख सकते हो। और अजमेर में जब आओगे तो आपको सामने ये जिंदा करिश्मा देखने को मिलेगा माशाल्लाह, ये देखिए। और मैंने पहले भी इस वीडियो का, यहाँ पत्थर का वीडियो बना रखा है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वायरल किया है माशाल्लाह, मैंने यूँ मजाक में उस समय बनाया था पर आप लोगों ने उसको 5 लाख पहुँचा दिया है, तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें ताकि और भी लोगों तक इसके बारे में जानकारी मिले, इस पत्थर के बारे में, क्योंकि कई लोग आते होंगे तो ये देख कर चल जाते होंगे भाई नॉर्मल पत्थर, जिनको नहीं मालूम, पर जिनको मालूम है वो अकीदे के साथ आते हैं और देख करके ज़्यादा करके जाते हैं। और ये देखिए पूरी नीचे चट्टान है, पूरी खाई है, और यहाँ से जब नीचे उतरेंगे ना तो मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह पड़ती है, जहाँ पे कहा जाता है कि जितनी दरगाह है, दरगाह के ऊपर जितना मीठी नीम का डाल है उतना पूरा एरिया नीम का मीठा हो जाता है। तो यहाँ पे भी आगे जाके जद करते हुए जा सकते हैं, अभी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है जादूगर जयपाल का पत्थर, आप देख रहे हैं, और कई जारीन भी आए हुए हैं, उनसे भी बात कराता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप लोग पहली बार इधर आए, या पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे बाबा जान का जो ऊपर पत्थर फेंका था जादूगर जयपाल? ऐसा तो क्या मालूम पड़ता है इधर आने के बाद? बाबा का पत्थर गिराला करके मालूम होता। अच्छा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए।
जादुई पत्थर हाँ मीरा साहब जी इनके अंग पे फेंका गया था जब ये नमाज पढ़ रहे थे। जब ये नमाज पढ़ रहे थे घोड़े ने अपने टांच से और चाबुक से पत्थर रोक दिया जी। और बाबा जी ने दो उंगली लगाई कल में। बाबा जी ने दो उंगली। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फाइनली हम लोग चलते चलते पूरा ऊपर पहाड़ में गए थे। वो देखिए रात होने को आ गई है, हम लोग नीचे आ चुके हैं। और नीचे आते ही यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी बहुत लाइटिंग जल रही है, पर यहाँ पर ये देखिए सामने वैसी दुकान है। यहाँ पे ये देखिए आप होते हुए जा सकते हो यहाँ से। ठंडी लग रही तुझे? हाँ मुझे ठंडी लगती है। ये देखो बाबा कैसे बैठा है, ऐसे लोगों की हेल्प करते हो। वो एक तो गेट ऊपर मैंने दिखाया, एक गेट ये रहा। अभी रात हो गई तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अरे बाप रे संभल के, यहाँ पे फिसलन वाले रास्ता है, संभल संभल के आना, फिसल मत जाना। फिसलोगे तो तुम्हारा जोगी जाती। और संभल के आना क्योंकि ये रास्ता बहुत फिसल वाला है, तो ये उतरने वाला रास्ता है। अभी देख सकते हो आप, अभी आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने जो बताया वो एक गेट है, सबसे पहले ये गेट है, फिर वहाँ गेट है, ये उतरने का रास्ता। वैसे तो चढ़ने का रास्ता होगा पहले जमाने में। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर रहे हैं। उतरते रास्ते में आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे अंगार मतलब बैठे हैं लोग। और ये रहा लास्ट में, थोड़ा सा कम दिखेगा पर दिख जाएगा। ये लो, ये तकीना की सरकार जाने का रास्ता। इधर से पत्थर देख के आओ, ये वाला रास्ता जो कट रहा है नीचे देख सकते हो निशान बना हुआ है। इधर से नीचे उतर जाओ, रूठी रानी का महल, शेर की दरगाह, शेर वाले बाबा की दरगाह और पानी वाली दरगाह। चलिए रास्ता देख,